हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एसएफ आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जिस तरह से मैंने कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया और अच्छा रिस्पांस दे रहे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि न्यूज़पेपर या नोटबुक जो रहती है उसके पेपर से किस तरह से हम लोग पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड या वास के ऐसा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसके लिए हमें क्या चाहिए देखिए। इस तरह का पेपर, कटर, पेन, कार्डबोर्ड, डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फेविकॉल, कलर, स्केल, इन चीज़ों से हम लोग हमारा आइटम बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाया जाता है। इस तरह का न्यूज़पेपर या नोटबुक जो भी है आपका, इस तरह से पेपर ले लीजिए। ले लेने के बाद उसे इस तरह से फोल्ड कीजिए। इस तरह से कट करने के बाद पेन से हमें इसे रोल करना है। इस तरह के रोल्स बनाना है दोस्तों हमें। देखिए, मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है। इस तरह के रोल्स बना के हमें उसे अटैच करना है, और किस तरह से अटैच करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से अटैच करके हमें ये पूरे, मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है, आप देखिए इस तरह से पेन का स्टैंड बनाना है हम लोगों को, और मोबाइल का स्टैंड अटैच ही बनाना है। उसके लिए इस तरह से बनाने के बाद हमें अटैच करना है। दोस्तों, किस तरह से अटैच करना है, यहाँ पर मैंने एक पे, यहाँ पर दो दो का पेयर बनाया, बनाकर 10 लिया, 10 के स्ट्रिप्स है दोस्तों, 10 स्ट्रिप्स है, इसी से मैंने अटैच किया है। इसी तरह से हमें अटैच करना है दोस्तों। अटैच करने के बाद हमारा पेन का स्टैंड इस तरह से बनेगा। इस तरह के हमें दो स्टैंड बनाना है दोस्तों। इस तरह के हमें दो स्टैंड बनाना है। एक साइड हमें 10 स्ट्रिप्स लेना है, फिर 8 8 8 स्ट्रिप्स लेना है दोस्तों। आप चाहें तो आपका जितना जो साइज चाहिए वो साइज आप ले सकते हैं। ये लेने के बाद दोस्तों, फिर हमें बेस बनाने के लिए कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। इस तरह से कार्डबोर्ड ले लीजिए। लेने के बाद उसे इस तरह से पेपर को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद हमारा बेस बन जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी मैंने बेस भी बना कर रखा है, देखिए। पेपर लगाने के बाद हमारा बेस इस तरह से दिखेगा। दिखने के बाद दोस्तों, फिर इस पर हमें, हमने जो ये फ्रेम बनाया है, फ्रेम को अटैच करना है दोस्तों, इस तरह से। और मैं आप लोगों को फ्रेम अटैच कर बताता हूँ किस तरह से दिखता है। देखिए दोस्तों,
पूरा अटैच करने के बाद हमारा पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड या वास या मल्टीपर्पज़ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा है कि नीचे बेस के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया और हम लोगों ने ये दो स्टैंड्स बना लिए। हाँ, ऑलरेडी मैंने कहा है यहाँ पीछे 10-10 स्ट्रिप्स लगाना है, ये जो 3 साइड्स के, यहाँ पर 8 स्ट्रिप्स लगाना है इसको सेम। ये मोबाइल के लिए भी पीछे 10 स्ट्रिप्स लगाना है, सामने 5 स्ट्रिप्स लगाना है दोस्तों। इस तरह से हमारा मोबाइल स्टैंड बन जाएगा। ये बनने के बाद दोस्तों फिर इसे हम लोग कलर करेंगे और डेकोरेशन करेंगे, देखेंगे वो करने के बाद हमारा मोबाइल स्टैंड या मल्टीपर्पज़ स्टैंड कितना खूबसूरत दिखेगा। देखिए दोस्तों, कलर करने के बाद हमारा मल्टीपर्पज़ स्टैंड इस तरह से दिखेगा। आप इसमें मोबाइल रख सकते हैं, जो भी पेन है पेन भी रख सकते हैं, उसके साथ साथ फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। मल्टीपर्पज़ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते। ये जो भी स्ट्रिप्स दिख रहे ना, ये इन्विटेशन जो गोल्डन कलर का कार्ड रहता ना, वो कार्ड के स्ट्रिप्स है दोस्तों, उसे मैंने इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरह से हमारा स्टैंड दिख रहा है। देखिए अब इसमें मोबाइल रखने के बाद किस तरह से दिखता है। जैसे कि एक तरफ फ्लावर्स लगा दिए हम लोग, ऑलरेडी ये फ्लावर्स किस तरह से बनाते हैं मैंने आप लोगों को बताया है, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं चाहे तो। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा मल्टीपर्पज़ स्टैंड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें फ्लावर्स लगा सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं और अपने जो भी पेन वगैरह है वो सब रख सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। ये आप लोगों से गुजारिश है।